नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये एग करी। तो इससे पहले मैं आपको रेसिपी बताऊं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मैं आपको सामान बता देती हूँ। मैंने 7 बॉयल्ड अंडे लिए हैं, 2 मीडियम साइज टमाटर मैंने डाइस कर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा प्याज मैंने डाइस कर लिया है, आधा इंच अदरक मैंने स्लाइस कर लिया है, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ मैंने साफ़ कर ली हैं। ये चिकन मसाला है, ये आपको आसानी से जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, अदरक, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। ध्यान रखिए हम टमाटर डाल रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है, नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा। और हम गरम मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है, अब इसको हम साइड कर देंगे और अपने अंडे लेंगे। अंडों को हमें ऊपरी साइड से बीच में से कट करना है, देखिए इस तरह से हल्का सा कट करना है, इससे मसाले अच्छी तरह से अंदर जाएंगे और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और अब अंडों को हम डीप फ्राई करेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब इसमें हम अंडे डालते हैं फ्राई करने के लिए। तेज आंच पे ही हमें इसको फ्राई करना है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसी तरह से हम सारे अंडे अपने फ्राई करेंगे। देखिए अंडे फ्राई हो गए हैं तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए मैंने अंडे फ्राई कर लिए हैं और एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने वही तेल जो यूज़ किया था वही तेल हमने डाल लिया है। ये 4 बड़े चम्मच तेल हैं तो गरम भी कर लिया है मैंने इसको तेल को, तो इसमें हम अपना मसाला डालेंगे। देखिए हमने मसाला डाल दिया है, अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के हिला के हम डाल लेंगे, जो बाकी मसाला है वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, अब इसमें हम चिकन मसाला पाउडर डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छी तरह से और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए ढक के, फिर चेक करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला लगभग तैयार है पक के, कितना अच्छा कलर आ गया है, तेल ऊपर आपको दिख रहा होगा, मसाला हमारा पक के तैयार है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, ग्रेवी इसकी थोड़ी थिक रखेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, अब हमें इसे ढक के पकाना है तेज आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल आने तक। देखिए बॉईल आ गया है, ढक्कन हटाते हैं। अब इसमें हम अपने अंडे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब इसको हम 5 मिनट ढक के पका लेंगे धीमी आंच पे। देखिए 5 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाते हैं।
कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। तो अब गैस बंद करेंगे और इसको अब सर्व कर लेंगे हम। मैंने अपनी एग करी बना के सर्व कर ली है कढ़ाई में, बहुत ही टेस्टी बनी है। दिखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी ही अच्छी लगेगी आपको। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।